लोग को सच में ऐसा लगता है कि हमारा पढ़ने लिखने का मन नहीं करता? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि हमारा तैयार होकर सूट बूट पहन के कार पे जाने का मन नहीं करता? दोस्तों, ताली बजाना, नाचना गाना हमारा शौक नहीं, हमारी मजबूरी है। आइए जानते हैं इन मजबूरियों के बारे में। मैम, मेरे बच्चे का एडमिशन कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, चलिए उसका एडमिशन फॉर्म भर देते हैं। तो बताइए, वो लड़का है या लड़की? थर्ड जेंडर है। क्या आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने, इस चीज़ को यहाँ लाने? आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि हम इसका एडमिशन यहाँ लेंगे? मैम प्लीज एडमिशन ले लीजिए। पढ़ लिख के ये करेगा क्या? इसे वहाँ भेजिए जहाँ उसकी असली जगह है। पढ़ लिख कर तो बन जाएगा। देखिए, हम इसका एडमिशन नहीं ले सकते, इसे यहाँ से ले जाइए। हम इसका एडमिशन लेके अपने स्कूल की रेपुटेशन खराब नहीं करते। जन्म के साथ कई उलझने आती हैं, लेकिन मेरा जन्म ही एक उलझन है। जो ये समाज चाहता है वो मुझ में निषेध है, और जो मैं करना चाहती हूँ वो इस समाज में। इससे अच्छा तो मेरी आँखें ही बंद हो जाती या फिर मुझे सांस ही नहीं आती। आश्चर्य होता है दोस्तों, आश्चर्य कि हम जैसे सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग ऐसे बेतुकी और बेबुनियादी बातें करते हैं। जहाँ विद्या के इस आलय में समान सबको समानता दी जानी चाहिए, वहीं इस प्रिंसिपल जैसे लोग खुद ही विद्या के सही अर्थ को नहीं समझते। हम खुद ही कहते हैं ये पढ़ते लिखते होंगे, ये कुछ काम नहीं करते, ये नाचते गाते हैं। क्या आपने सोचा है कि हमने कभी इन्हें पढ़ने लिखने का मौका दिया? क्यों लगता है आप लोगों को कि हम कुछ नहीं कर सकते? हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, हम चाहे तो आसमान भी छू सकते हैं, क्योंकि माँगी। 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 माँगी।